ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। के लिए लाया हूं अकई की एक बड़ी खूबसूरत रेक, जिसमें आपको मिलता है एम्पलीफायर, ट्यूनर और कैसेट। एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर AM2650 यानी 2650 है, ट्यूनर जिसका मॉडल नंबर AT2450 यानी 2450, और अकई स्टीरियो कैसेट डेक का मॉडल नंबर है GXC725D यानी 725D। तो आइए जानते हैं इसके कंट्रोल्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज बिना समय लगाए हम जानेंगे इस अकई की खूबसूरत रेक के बारे में। दोस्तों, जैसा आप दिखाई आपको दे रहा है, ये बड़ी खूबसूरत सिल्वर फिनिश में एक बेहतरीन रैक है और कैसेट प्लेयर जो कि थ्री हेड के साथ में, थ्री मोटर्स के साथ में आपको ये मिलता है। और दोस्तों, ये ट्यूनर है जो अपने आप में एक अनोखा ट्यूनर है, क्योंकि इस ट्यूनर में आपको आउटपुट लेवल मिलता है जो कि आपको साधारणतः देखने को नहीं मिलता है, प्लस लेवल कंट्रोल। तो ये एक एडिशनल ट्यूनर है। तो आइए सीक्वेंस से जानते हैं इसके कंट्रोल्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये ट्यूनर, ये एम्पलीफायर है मेरे दोस्तों, देख रहे हैं, एम्पलीफायर AM2650 यानी AM2650। तो ये इसके स्ट्रक्चर और देख पा रहे हैं और कंट्रोल्स मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये आपको पावर मिलता है, ये पावर है, पावर से मैंने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। ये दोस्तों स्पीकर सेलेक्शन है, स्पीकर ए बी और ए प्लस बी, और इधर आपके करने पर स्पीकर बंद हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों ये फिल्टर्स, जिसमें लो और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए फिल्टर दिया है। फिर आपको मिलती है टोन, टोन को अगर आप ऑन करेंगे तो कंट्रोल काम करेंगे, और टोन को अगर आप ऑफ रखेंगे तो कंट्रोल फ्लैट पे हो जाएंगे, यानी कंट्रोल काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद आपको मिलता है ऑडियो म्यूट, अगर आपकी आवाज तेज है और आप इंस्टेंट धीरे करना चाहते हैं तो ऑडियो म्यूट को आप दबाएंगे तो आवाज धीरे हो जाएगी, मतलब एकदम लो लेवल पे आ जाएगी। और उसके बाद है मोड दोस्तों, स्टीरियो और मोनो, जो कि साधारणतः स्टीरियो गाना अगर आप सुन रहे हैं और सिलेक्शन मोनो पे है तो आपको स्टीरियो इफेक्ट नहीं मिलेंगे। कैसेट या आपका कोई भी सोर्स मोनो है तो अगर आपने मोनो पे सेलेक्ट कर रखा है तो दोनों स्पीकर्स में आवाज पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है लाउडनेस, लाउडनेस इन और आउट, यानी लो और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों को ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं कंट्रोल, जिसमें बास है लो फ्रिक्वेंसी, अप डाउन, और ये ट्रेबल है हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों बैलेंस, बैलेंस लेफ्ट राइट, और उसके बाद आपको टेप सेलेक्टर मिलता है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग टेप के थ्रू अगर आप करना चाहें तो इस बटन से आप सेलेक्ट करने पर आपको सोर्स को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका टेप सेलेक्टर है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्टर, मेन सेलेक्टर आता है जो कि सोर्स को सेलेक्ट करता है, आप इसको सोर्स पे कंट्रोल, आपको सोर्स पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और सोर्स पे लेने के बाद आप इसमें जो भी मेन सोर्स में जो आप इनपुट देंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोनो है, ट्यूनर है, ऑक्स है, तो दो फोनो है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक आप बोल सकते हैं कि बड़ा कारगर आपके लिए साबित हो सकता है कि आप दो फोनो एक साथ लगा के आप चला सकते हैं।
उसके बाद आता है दोस्तों ट्यूनर, ट्यूनर AT2450 यानी AT2450। ट्यूनर अपने आप में एक बेमिसाल ट्यूनर है दोस्तों, क्योंकि आउटपुट लेवल आपने ट्यूनर में बहुत कम देखे होंगे, इसमें आउटपुट लेवल भी आपको मिलता है। मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बताऊंगा। बार पेट आपकी सुनता है, एक बार अपने पेट की भी। ये ट्यूनर की आवाज है और उसके बाद ये आउटपुट लेवल है दोस्तों। ये ट्यूनर को FM म्यूट, यानी अगर आप इसको दबाएंगे तो FM बंद हो जाएगा। उसके बाद लेवल कंट्रोल आता है जो स्टेशन से और ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता होगा। ये दोस्तों ट्यूनर की ट्यूनिंग है, जैसा मैं आप देख रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं मीटर भी स्विंग कर रहा है। ऐसा होता है शादियों का मौका, तो शादियों के इस मौके पर आप भी यादगार। उसके बाद सेलेक्टर है ट्यून, जिसमें AM या FM को आप सेलेक्ट करना चाहे तो इस कंट्रोल से आप कर सकते हैं। तो ये ट्यूनर हुआ। और दोस्तों आप देखिए, बहुत खूबसूरत, एक बिल्कुल न्यू ब्रांड मिंट कंडीशन में ये रैक है। ये इसका एक कई कैसेट डेक है, स्टीरियो कैसेट डेक, जिसका मॉडल नंबर GXC725D, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी खूबियां है दोस्तों। आप ये इसका पावर बटन है, ये ऑन ऑफ जो मैंने आपको करके बताया दोस्तों। ये 3 हेड से एक आपको आउटपुट लेवल कंट्रोल, यानी रिकॉर्डिंग के लेवल को आप जज कर सकते हैं ऑन द रनिंग कंडीशन में, सोर्स और टेप पे लेके, कि सोर्स क्या आउटपुट आपको दे रहा है और टेप आपको क्या सुना रहा है। तो ये 3 हेड का बेनिफिट होता है। प्लस इसके मैकेनिज्म में 2 या 3 मोटर्स है जो इस मैकेनिज्म को बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री करती है और आपको एक बेहतरीन आवाज देती है, जिससे आप तभी ये 3 हेड और एक बड़े लेवल के मैकेनिज्म का आविष्कार हुआ। इसके कंट्रोल्स को जान लेते हैं दोस्तों। ये स्टॉप एजेक्ट है, ये देखिए मैंने स्टॉप किया एजेक्ट, ये रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ है। उसके बाद दोस्तों रिवर्स आता है, ये रिवर्स है, ये प्लेबैक है, और ये फॉरवर्ड है मेरे दोस्तों, और ये पॉज है। ये इसके मैकेनिज्म के कंट्रोल है। फिर आपको मिलता है मॉनिटर्स, जो मैंने आपको बताया, सोर्स और टेप को जांचने के लिए। अगर आपने सोर्स दे रखा है तो इसके थ्रू सोर्स भी आप बिना रिकॉर्डिंग का बटन दबाए प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एनालॉग क्वालिटी आपको मिलेगी। कोई भी डिजिटल को अगर आप इसके थ्रू अपने एम्पलीफायर को देते हैं तो वो क्वालिटी को एनालॉग कर देता है। उसके बाद आता है टेप सेलेक्टर, जिसमें CRO2 वगैरह, L लेफ्ट राइट, FECR के सेलेक्शन आपको मिलते हैं। इसमें नोब होती है, नोब इसमें दोस्तों है नहीं। और ये आउटपुट लेवल है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आउटपुट लेवल 3 हेड में सामान्यतः होता है। तो ये आउटपुट लेवल है, और ये दोस्तों रिकॉर्डिंग के लेवल है, लेफ्ट और राइट के। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस लेवल से अपने दोनों साइड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको फोन्स, हेडफोन्स के लिए, और दोस्तों ये माइक का इनपुट मिलता है। माइक का इनपुट भी आपको एक अच्छे डेक में ही मिलेगा। और ये लाइट्स है जो रिकॉर्डिंग और डॉल्बी NR की है। और ये व्यू मीटर्स है जो आप देख पा रहे हैं, बड़े खूबसूरत बड़े व्यू मीटर्स इसमें आपको मिलते हैं और ब्लिंक करते हैं जब भी आप प्ले करते हैं। तो मैंने अभी टेप का बटन दबाया हुआ था, ये इसकी बैक साइड है दोस्तों। व्यू मीटर्स दोनों के पैरेलल काम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इसके पीछे के कंट्रोल्स में, जिसमें फोनों के इनपुट आपको मिलते हैं, फोनो 1-2, और ये ट्यूनर है इनपुट जो आप ट्यूनर को कनेक्ट करेंगे, और ये ऑक्स है, आप अपना अदर सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल, CD प्लेयर, DVD प्लेयर वगैरह। और ये इसका ग्राउंड है जो आपको ट्यूनर को भी ग्राउंड करना पड़ेगा और अपने फोनों के लिए भी काम आएगा। और ये टेप 1 और टेप 2, और ये आपको 5-पिन जैक भी मिलता है जो आपके 5-पिन आउट या इन के लिए आपके काम आएगा। ये स्पीकर्स के सॉकेट है दोस्तों, स्पीकर AB, और ये AC आउटलेट है जो आपको बाकी सोर्स के लिए कहीं से और बिजली लेनी नहीं पड़े तो यहीं आपको AC आउटपुट मिल जाता है। और ये इसकी ब्रांडिंग है, और ये इसकी AC लीड है। फिर आता है दोस्तों ट्यूनर, ट्यूनर्स के ये एंटीनाज है जो AM FM और ये है, और ग्राउंड है, ये AM का एंटीना है।
और ये आउटपुट है जो आपको एम्पलीफायर से अटैच करना पड़ेगा, ये इसकी ब्रांडिंग है। फिर दोस्तों अकेई का कैसेट प्लेयर आता है, ये इसकी ब्रांडिंग, लेकिन इसमें इन और आउट उल्टा है, इधर इन है इधर आउट है। बाकी सेटों में इधर आउट और इधर इन आपको मिलता है। और ये एसी लीड के लिए सॉकेट है, एसी लीड आप लगाने के बाद ये प्ले होगा। तो ये इसका पीछे का स्ट्रक्चर है, लेकिन दोस्तों ट्यूनर को अर्थ देना एम्पलीफायर से जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने पीछे का स्ट्रक्चर देखा, अब कुछ संगीत का आनंद लेते हैं और मैं आपको बीच बीच में भी संगीत सुनाऊंगा इसमें प्ले किया हुआ, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। With more than 67 million hits. आपने संगीत का आनंद लिया, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर दोस्तों इस कंडीशन में सेटों का मिलना भी लगभग नामुमकिन सा है, तो आप इसे खरीदना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं और मेरे नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो फिर नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलने की आशा लिए इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों, और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे बाकी दोस्तों तक भी मेरी बात पहुंचे। वीडियो समाप्ति की आपसे इजाज़त चाहता हूं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।